हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक्सीड के आरसी हेलीकॉप्टर की। और इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहां पे आपको एक्सीड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ये एक इंडक्शन फ्लाइट हेलीकॉप्टर है, मीन्स आप इसे सेंसर की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप इसे हेलीकॉप्टर को इंडोर भी फ्लाई कर सकते हैं और आउटडोर भी फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कूल एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी और 3D फ्लाइट और यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम मिल जाएगा जिससे कि आपका हेलीकॉप्टर सेफ रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है GD100 और हेलीकॉप्टर डुअल मोड कंट्रोल फ्लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बैक साइड में भी आपको एक्सीड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर डुअल मोड कंट्रोल फ्लाइट इंडक्शन फ्लाइट दिया है और सेम इधर फीचर्स दिए हुए हैं इसके। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर और रिमोट कंट्रोल की इमेज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर की प्राइस दी हुई है जो कि 999 है, लेकिन दोस्तों आपको ये हेलीकॉप्टर 400 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हेलीकॉप्टर का रिमोट कंट्रोल। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये लाइट वेट भी है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट और अप का बटन मिलता है, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी और ये एक IR रिमोट कंट्रोल है। और इस स्टार्ट बटन से आप हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं और इसी से आप स्टॉप करेंगे और इस बटन से आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जिसे आप चार्जर में लगा के इस हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दो बैटरीज मिलती हैं, इसे आप अपने रिमोट कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा RC हेलीकॉप्टर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में आपको बहुत से कलर मिल जाते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर और एक येलो कलर। और ये रहा हेलीकॉप्टर, ये इसके प्रोपेलर्स जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई है। और यहाँ पे बैक साइड में भी एक प्रोपेलर मिलता है जो कि एक डमी है, ये वर्क नहीं करेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक LED लाइट मिलती है फ्रंट साइड में। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप हेलीकॉप्टर को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिससे कि आप इस हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं। और नीचे के साइड सेंसर दिया हुआ है जिसके आप सेंसर का यूज़ करके इसे फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस रिमोट कंट्रोल में हम बैटरीज को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रिमोट में दो बैटरीज लगेंगी, इसे हम इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद इस लॉक को भी यहाँ पे हम सेट कर देंगे। और रिमोट को ऑन करने के लिए सिंपली आपको इस स्विच को ऑन पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक रेड कलर की लाइट दिखेगी जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिमोट ऑन हो चुका है। अब हम इस RC हेलीकॉप्टर को भी ऑन कर लेंगे। ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको स्विच को ऑन करना होगा और ये हेलीकॉप्टर ऑन हो चुका है। और ये सेंसर हेलीकॉप्टर है तो ये आपका हेलीकॉप्टर बिना रिमोट कंट्रोल के भी ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे आप इसे रिमोट से ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है और ऑफ़ करने के लिए एक और बार प्रेस करना है तो ये ऑफ हो जाएगा।
सो गाइस, इसी तरीके से आप इस आरसी हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फ्लाइंग टेस्ट वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।